क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज अपने ना हिंदी का वार्षिक परीक्षा का सेट बी देखेंगे। बढ़िया से सॉल्यूशन दे रहा हूँ, घबराइए मत, बिल्कुल आपको मेरी जवाबदारी अच्छे नंबर दिलाने की। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का जनक माना गया है। हिमंत रंगनी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? रति है। आज बाजार जो है पूरा विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लुटिया आंचलिक शब्द है, हो गया। एकांकी में उमा पात्र की जो माँ है वो कौन थी? प्रेमा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, थल थल में बसता शिव है। चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार का उदाहरण है। किसका अलंकार का उदाहरण? रूपक। रेल शब्द जो एक विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हलना जोत पाया, हम पे बेल है। दाढ़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। सांवले सपनों की याद संस्मरण की विधा रचना है। कौन सी रचना है बेटा? संस्मरण की विधा रचना है ना। यहाँ पर अपन देखेंगे जोड़ी कामा यानी एक महाकाव्य, पंचवटी खंड काव्य है, ध्यान रखना है। चपला देवी, चपला देवी का जाएगा द्विवेदी युग। आकाश का जाएगा नभ और गगन। गोपाल प्रसाद चौथा वकील। प्रसिद्ध संस्मरणकार महादेवी वर्मा। चांदी का कटोरा आपका जाएगा यहाँ पर, महादेवी वर्मा हो गया और प्रसिद्ध संस्मरणकार तो महादेवी वर्मा आएगा। अब ये सत्य सत्य है तो पहला आपका असत्य है, क्योंकि हमारे जय शंकर प्रसाद जी को बताया गया है छायावाद का जनक और यहाँ पर सुमित्र नंदन पंत बता रहे, तो ये गलत होगा। अलंकार का सामान्य अर्थ होता गहना। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, असत्य। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये बिल्कुल राइट रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री के शिक्षा के समर्थक थे, ये असत्य रहेगा। हरी शंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, असत्य रहेगा। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिलाया? चोर को। ठीक है, यहां से अपन देखेंगे तो राम भक्ति साका की रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, सुनिए ना। यहां पर अपन देखने वाले हैं राम भक्ति साका की विशेषताएं। नई कविता की दो विशेषताएं लिखनी है। इस संसार में सच्चा संत किसको बताया गया है? पूरे पेपर का सोल्यूशन अपन देखेंगे, यहां से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये रहेगा 10। रौद्र रस की परिभाषा लिखनी उदाहरण सहित। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। सवैया छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बतानी है। नाटक और एकांकी में अंतर। रेखा चित्र किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15। प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर व्यक्तिगत विशेषताएं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? इसके भेद। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ठीक है, काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। यहाँ पर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 19। ठीक है भैया, हो गया इतना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो ये आपका 19 का अथवा रहेगा यहाँ पर। ठीक है भैया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए इसलिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखो, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहेगा अंतिम 23। ठीक है, तो ये राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि राम भक्ति शाखा, तो आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इन कवियों के जो भगवान रहे होंगे, इन्होंने सबसे पहले किस प्राथमिकता कौन से भगवान को दी होगी? तो राम भगवान को दी होगी। तो हम पहली विशेषता यही बनेगी कि राम भक्ति शाखा के कवियों के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। क्या है? राम भक्ति शाखा के कवियों के जो भगवान है, इष्ट देव है, वो क्या रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अब राम भगवान की जो भक्ति होती है ना, वो दास भाव की होती है, और कृष्ण भगवान को है ना लोग सखा के रूप में मानते हैं, दोस्त के रूप में मानते हैं, मित्र के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो भक्ति है वो दास भाव की है। कौन सी? राम भक्ति शाखा के जो कवि है, उन्होंने जो भक्ति की वो दास के भाव की थी। अगला है, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि इस शाखा के काव्य में राम के लोक रक्षण के रूप में चित्रण हुआ है। और अंतिम जो है चौथा बिंदु,
कि इस शाखा के कवियों ने प्रबंध तथा मुक्तक काव्य की रचना की। तो आप तीन पॉइंट को इसे भी कर लेना, पहला, दूसरा और चौथा। तो तीसरा आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो सिंपल सिंपल पॉइंट आपको करने हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि हमारे बच्चों को है ना बढ़िया से कंप्लीट समझ में आए। ठीक है, अच्छे मेहनत करिएगा आप तो तभी जाकर आप सफलता प्राप्त करोगे। यदि हम आगे की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो अथवा रहेगा कि नई कविता की विशेषताएं लिखते हुए दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो नई कविता की विशेषता क्या है? एक तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, पहली विशेषता ये लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। फिर योगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज और व्यंग प्रधान रचनाएं। फिर से बोलिए, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, फिर योगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज और व्यंग प्रधान रचनाएं। यदि हम इसके प्रमुख कवि की बात करें तो पहला कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश चंद्र गुप्त और दुष्यंत कुमार। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अच्छे से तैयारी करनी है ना। चलिए अब आगे बोलते हैं, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? ठीक है, तो इस संसार में जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, इस सच्चा संत वही है कि जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वहां निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, वही क्या है? सच्चा संत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्दत ने क्या उपाय सुझाया है? देखिए, ये बंद द्वार का मतलब क्या है? ये है कवियत्री, सॉरी, यहां पर जो इसका मतलब है, ठीक है, बंद द्वार का मतलब ये कि जो हमारी आत्मा वो परमात्मा से मिल रही है, तो हमारा जो सांसारिक लगाव है उसको बंद करके परमात्मा के प्रति जो भाव जोड़ना है उसे अपन कहेंगे यहाँ पर बंद द्वार खोलना। तो जो भी मायावी अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेगा, जो भी ये मायावी अंधकार है इस पर विजय प्राप्त कर लेगा, ज्ञानी होकर अज्ञान को दूर भगा देगा, तब उसमें सभी प्राणियों के प्रति समभाव हो जाएगा। क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है कि बंद द्वार की साकल खोलने का मतलब क्या है? कि जब भी मायावी अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेगा कोई भी, ठीक है, ज्ञानी होकर अज्ञान को दूर भगा देगा, तब उसमें सभी प्राणियों के प्रति समभाव हो जाएगा। और इस तरह कवियत्री में ने समभावी होने का उपाय सुझाया है जिससे बंद दरवाजे की साकुल खुलेगी। बढ़िया से यहां से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। कालंदी कुल कदंब की डारन में कौन सा अलंकार है? देखिए, इस पंक्ति में का जो वर्ण है, यहां पर भी का है, यहां भी का है, यहां भी का है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, सुन लो ध्यान से, जब कोई भी ऐसा पंक्ति रहे जिसमें एक ही वर्ण बने, चाहे का हो, चाहे पा हो, चाहे दा हो, कुछ भी हो, यदि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। यहां पर देखिए, इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कवि ने गांव को हरता जन मन तो कहा है? देखिए, गांव की जो शोभा है वो मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूलों और नाना प्रकार के, अच्छा नाना का मतलब क्या, अनेक प्रकार के। गांव की शोभा मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल सब्जी आदि है। गांव में गंगा सा मीठा जल मिलता है,
गांव की यहाँ छटा मनमोहक है। मनमोहक का मतलब होता है मन को भाने वाली, इसलिए हर आदमी का जो मन है ना वो मोह लेता है। कौन? गांव। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? गांव की तो बात ही अलग है, जो भी हमारे ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं वो समझ रहे हैं बातों को। हर व्यक्ति को अपना जो गांव है वो सबसे प्रिय होता है। तो जी जिसको प्रिय अपना गांव, कमेंट में आप जरूर बताइएगा और आपके गांव का नाम भी लिखना है ना। तो गांव की शोभा मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल सब्जियां आदि। गांव में गंगा सा मीठा जल मिलता है। गांव की छटा मनमोहक है, इसलिए ये मन को मोह लेती है। और इसलिए गांव के कवि कहता है कि गांव भरता जन मन है, यानी मन को हरने वाला। ठीक है, चलिए आगे है। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? क्या बोल रहा है कि बड़ा बुजुर्ग क्यों है? और हम जानते हैं कि पीपल की जो आयु होती है ना बहुत ज्यादा होती है, मतलब पीपल की उम्र जो है वो लंबी है। क्या बोला है कि पीपल की जो होती उम्र होती है वो लंबी होती है, यानी हम कह सकते हैं कि पीपल लंबी आयु का होता है या होती है। भारतीय हिंदू समाज में तो लोग पीपल की पूजा करते हैं। ध्यान से समझिए, आप ध्यान से समझोगे ना तो आप अच्छी मेहनत करोगे, और अच्छी मेहनत यदि कर पाओगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप वास्तव में चाहते हैं अब की बार 90 पार, इस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इन बच्चों की तरह आप भी परसेंटेज बना सकते हैं। ये 10th क्लास का है, 9th का नहीं है। ठीक है, जब 10th क्लास में बोर्ड में इतनी परसेंटेज अपन बनवा सकते हैं, अच्छी मेहनत करोगे तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। आप 9th में हो इस समय, घबराइए मत, 9th भी पास कराएंगे, साथ में 10th में आपको फ्री, एकदम फ्री, किसी को एक रुपया शुल्क किसी को नहीं देना है। ठीक है, चलिए। तो यहां से देखिएगा कि क्या बोल रहे हैं कि पीपल की जो आयु होती है वो लंबी होती है। भारतीय हिंदू समाज में तो इसकी पूजा होती है, बहुत से लोग तो इस पर इसे जल चढ़ाते हैं। पीपल क्या करता है? वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक तरीके से पीपल क्या है? वातावरण को शुद्ध करता है, प्राण वायु प्रदान कराता है ना, ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान कराता है। और इन्हीं सब कारण से उसे हम बड़ा बुजुर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं बताइए। तो पहला है प्रकृति चित्रण। ठीक है, पहला क्या है आपका? प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति के चितेरे, प्रकृति के अनन्य चितेरे सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम विशेष से परिलक्षित होता है। नंबर दो है, इनके विशेषता क्या है? रहस्य भावना। पंत जी ने रहस्यवाद के द्वारा अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, एक या दो बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, हर एक बच्चा जानता है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। वैसे महाकाव्य और खंड काव्य बहुत ही सिंपल है। देखिए, महाकाव्य का मैं सीधा सा उदाहरण बताऊं, एक तरफ है रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? भगवान राम का जन्म कब हुआ, उनकी शादी किससे हुई, फिर उन्होंने वनवास क्यों लिया, फिर भाई साहब उन्हें, ठीक है, उन्होंने वापस सीता जी को, रावण को मारने के बाद में फिर से सीता जी को क्यों छोड़ दिया, वन में क्यों भटकने के लिए छोड़ दिया, उनके पुत्र कौन थे, ये सारा उनके जीवन में जो गाथा गाई गई वो कहलाई आपकी महाकाव्य। अब खंड काव्य क्या है? उसी रामचरितमानस में से यदि हम कह दे कि जानकी मंगल, यानी भगवान राम और सीता जी की जो शादी है उसका यदि चित्रण करते हैं केवल उस हिस्से का, तो वो कहलाता है आपका खंड काव्य। ठीक है, समझ में आ रहा, बात नहीं आ रहा है ना?
और तो महाकाव्य में क्या होता है, संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसका होता है पूरे जीवन का चित्रण। खंड काव्य में क्या होगा, जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होगा। कोई सी भी घटना उठा लो, धनुष तोड़ना, भगवान राम और सीता जी की शादी, जानकी मंगल, भगवान शंकर जो है और माता पार्वती ने पार्वती मंगल, ये जो है ये आपके खंड काव्य है। और रामचरितमानस हो गया हमारा, कामयानी हो गया, ये आपका महाकाव्य। अब जब महाकाव्य है, हेडिंग से याद रखो, कोई ज्यादा पछने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा अपन है ना इसको इस पेज में समझा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहां से देख सकते हैं अपन है ना, ट्रिक के द्वारा याद भी रखेंगे ताकि आपको जीवन भर भी याद रहे। यहां से देखिए महाकाव्य, पहला वर्ड क्या है आपका यहां पर, महाकाव्य, खंड काव्य। सबसे पहली चीज है इसमें संपूर्ण जीवन है, और इसमें कोई भी एक घटना है जीवन की। अब यहां से पकड़िए, संपूर्ण जीवन है तो भाई सब याद रखने की ट्रिक भी बता रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। संपूर्ण जीवन है तो पात्र कैसे होंगे, इधर अधिक होंगे, क्योंकि इसमें सब आएगा। भगवान राम के पिताजी भी आएंगे, साफ पिताजी आ गए, फिर राम भगवान आ गए, उनके भाई आ गए, उनके गुरुदेव आ गए, अहिल्या आ गई, ठीक है, फिर भगवान राम का विवाह हो गया, सीता जी आ गई, उनकी सखी आ गई, समझ रहे बात को, हनुमान जी आए, सुग्रीव आए, बाली आए। और यदि हम जानकी मंगल करें तो इसमें केवल भगवान राम और सखा, तो उसकी सीता जी और लक्ष्मण, लक्ष्मण का इनका प्रस्ताव वो रहेगा, ठीक है विवरण। तो इसमें पात्र अधिक होंगे और इसमें पात्र कम होंगे। अब जब पात्र अधिक है, पूरा जीवन है, तो आकार की बात करें आपकी, आकार, आकार कैसा होगा इसका, बड़ा होगा। थोड़ा समझिए, आपके दिमाग से सोचिए अंतर ऑटोमेटिकली, जब आकार बड़ा होगा तो इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा। तीन पॉइंट हो चुके, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, खंड काव्य में किसी भी एक घटना का चित्रण होता है। महाकाव्य में पात्र अधिक होते हैं, खंड काव्य में पात्र कम होते हैं। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। इसमें अब महाकाव्य किन पर लिखा जाता है, जिसे भगवान राम पर लिखा है, तो भगवान राम क्या होना चाहिए, महान होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं इसमें नायक, इसमें नायक महान होना आवश्यक है, और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। पांचवा जो है, ठीक है, पांचवा जो रहेगा उदाहरण में दे देंगे हम, उदाहरण हो गया यहाँ पर रामचरित मानस, यहां पर देखिए उदाहरण इसका जाएगा जानकी मंगल, जानकी मंगल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। यहां से आप देख सकते हैं ना कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण है, तो खंड काव्य में किसी भी एक घटना का चित्रण है। अगला क्या है आपका, इसमें पात्रों की संख्या अधिक है तो इसमें पात्रों की संख्या कम है, इसका आकार बड़ा है तो इसका आकार छोटा है। महाकाव्य में नायक का महान होना आवश्यक है और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण आप देख सकते हैं रामचरितमानस और जानकी मंगल, स्क्रीनशॉट लो बराबर, बढ़िया से हो गया। यहां से देख लीजिए है ना, अब यहां पर आगे बात करते हैं अपन, तो है रौद्र रस। रौद्र का मतलब होगा कि क्रोध आना, गुस्सा आना। रौद्र क्या है कि जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण, कोई आपका बार बार अपमान कर रहा है और अपमानजनक व्यवहार के कारण, या कोई भी अपने पे अत्याचार कर रहा है, उसके कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए तो आप समझ जाइए कि वहां रौद्र रस है। कौन सा रस है, रौद्र रस। तो जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण या अत्याचार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहां रौद्र रस होता है। उदाहरण क्या है आपका, उदाहरण है आपका श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे,
सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन जो है ना वो क्रोध से जलने लगे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर क्या किया, थोड़ा सा उनका अपमान कर दिया। सब शोक भूलकर अपना, भगवान कृष्ण ने कहा क्या तुम नपुंसक हो, ठीक है तुम मर्द नहीं हो, इसका मतलब है तुम नपुंसक हो, तुम्हें कोई युद्ध क्षेत्र में पुकार रहा है, ठीक है तुम्हारे घर में आकर घुसकर अब तुम्हें चेतावनी दे रहा है युद्ध के लिए, और तुम अभी भी सोच रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो भगवान ने कुछ उनका अपमान किया। तो ऐसे वचन सुनकर क्रोध से अर्जुन जलने लगे थे और सब शोक भूलकर अपनी जो पीड़ा थी उन्हें कि मेरे परिवार के हैं, मेरे नहीं ठीक है बड़े भाई है ये, तो ये सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे थे। अच्छा, यह संसार अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये आपका क्या है, रुद्र रस का उदाहरण है। यहां से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा रुद्र रस को, इसके बाद में ये उदाहरण है। अगला है आपका क्वेश्चन, यमक अलंकार की परिभाषा आपको देनी है, उदाहरण सहित देनी। तो यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए वहां आपका यमक अलंकार होता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। देखिए, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो वहां आपका यमक अलंकार होता है। कनक कनक से ते सो मादकता अधिकाई, या खाए बोराई जग वा पाए बोराई। तो कनक कनक ते सो मादकता अधिकाई, एक कनक का अर्थ मतलब है धतूरा है, और एक कनक का मतलब है कि सोना। इन दोनों को पाकर मनुष्य जो है वो मादकता है ना मद में चूर हो जाता है, या खाए धतूरे को खाने पर जग बोरा जाता है, यानी मनुष्य बोरा जाता है, और सोने को पाकर भी व्यक्ति अहंकार में चूर हो जाता है। तो समझ में आया आपको कि लेकिन एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हो और एक ही शब्द बार बार आए तो वहां पर आपका यमक अलंकार होगा। आगे की बात करें, अब सवेया छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित दे। तो देखिए, सवेया छंद क्या है, कि सवेया एक वार्णिक छंद है। क्या है सवेया, एक वार्णिक छंद है, ठीक है, इसमें वर्ण गिने जाते हैं ना कि मात्रा, ठीक है। सवेया छंद एक वार्णिक छंद है, इसमें क्या गिने जाते हैं, 22 वर्णों से लेकर 26 वर्ण होते हैं। कितने, 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, और यहां आपका सवेया छंद कहलाता है। बहुत ही सिंपल उदाहरण आपको, देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा कि उदाहरण क्या है, ध्यान से समझिएगा। सवेया छंद वास्तव में क्या है कि वार्णिक छंद, केवल वर्ण गिनेंगे और इसमें 22 वर्णों से लेकर 26 वर्ण होते हैं, सवेया छंद कहलाता है। देखिए उदाहरण, मान नहीं अपमान का हो यहां, मान नहीं अपमान का हो यहां, याद दिला कर मन मिले जो, अरे कीमत जाने नहीं सकता यदि मुक्त कही पर दाने मिले जो। ठीक है, यहां पर क्या है, मन नहीं अपमान का हो यहां, याद दिला कर मन मिले जो, कीमत जाने नहीं सकता यदि मुफ्त कही पर दाने मिले जो। ठीक है, याद रहे वहां सीत तभी तक, याद रहे वहां सीत तभी तक, हाथ किताब जुबान मिले जो, और पाकर भूल नहीं सकता नर, खाकर ठोकर ज्ञान मिले जो। थोड़ा सा तबियत क्या है, गड़बड़ है, और वैसे मेरी धूमताल नहीं मिलती है, पर एक मैंने गा के बता दिया आपको किस तरीके से आप करना है ना, घबराना नहीं है ना, शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर ये आप टूटली फूटली आवाज हो, चाहे आपका स्पीकर फटा हो जैसे मेरा है, ठीक है गली गला फट जाए,
लेकिन आप अच्छे से धुन में गाइएगा ना, कि माने नहीं अपने माने का हो यहाँ, अरे याद दिला करे माने मिले जो, कीमत जाने नहीं सकता यदि मुक्त कहीं पर दाने मिले जो, याद रहे वहां सीख तभी तक हाथ किताबे जुबाने मिले जो, अरे पाकर भूल नहीं सकता यदि मुक्त के पाकर भूल नहीं सकता, नर खाकर ठोकर ज्ञाने मिले जो। देखिए एक दो वर्ण गिनिए, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और तेईस। तो बाईस से लगेगा कितने वर्ण थे, छब्बीस। ठीक है, यहां से आपको ये सवैया छंद का उदाहरण आपको बढ़िया से ध्यान से लिखना है। उदाहरण देख लीजिएगा, समझ आया आपको, ये चार उदाहरण है पर चारों के आप लिख सकते हैं जो आपको जमे। देखिए अगला जो प्रश्न है वो नाटक और एकांकी में अंतर। देखिए नाटक और एकांकी क्या है, ध्यान से समझिएगा आप, है ना। नाटक क्या है वास्तव में, नाटक जो है ना वो आपका एपिसोड समझ लीजिए। ठीक है, अपन टीवी में देखते हैं, कुछ भी ले लो आप, कोई सा भी उदाहरण ले लो, जैसे आपने दिया और बाती वो भी क्या है आपकी एक नाटक है, अंधेर नगरी वो भी आपकी क्या नाटक है, अंधा युग नाटक है, और यदि हम दीपदान समझते हैं, कोई आता ना दीपदान एक घूट, अभी तो आजकल तो थोड़ा सा बंद हो गया टीवी में, पहले आया करता था उस चैनलों पर आता है, जो केवल एक ही दिन आती है और एक ही एपिसोड में खत्म हो जाती है। ध्यान से समझिएगा आप तो बात को, कि जो एक ही एपिसोड में खत्म हो जाए उसे हम कहेंगे एकांकी, और जिसके एपिसोड चलते ही रहे, पिछले एपिसोड में आपने ये देखा गोपी के साथ ये हो गया था, ठीक है तो संध्या के साथ ये हो गया था, कोई सही आपका नई नई तरीके चलती नाटक हो, ठीक है तो ये क्या है, ये नाटक है। तो नाटक में सीधी सी बात है कितने एपिसोड होते हैं, बहुत सारे एपिसोड होते हैं। तो एपिसोड को हम यदि हिंदी में कहे तो उसे कहा जाता है आपको अंक, और एकांकी जो है उसमें आपका एक अंक होता है। ठीक है, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। नाटक जो है वो दृश्य काव्य का विस्तृत रूप है। दृश्य काव्य मतलब है कि बड़ा रूप, सिंपल सी बात है, ये भी दिखाता है, दिखाया जाता है रंगमंच पर, और ये भी दिखाया जाता है, लेकिन ये बड़ा है। क्यों बड़ा है समझ में आ रहे आपको, क्योंकि इसमें भाई साहब अनेक एपिसोड है, तो इसमें दृश्य क्या है विस्तृत रूप मिलेगा और इसमें छोटा रूप रहेगा। इसमें समान सॉरी इसमें समय स्थान घटना पर विशेष बल नहीं दिया जाता। ध्यान समझिए आप तो, क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि नाटक में बहुत सारे एपिसोड है, आज नहीं तो कल कहीं का व्यक्ति देखे देखेगा, 10 बजे रात को भी आ जाए 12 बजे रात को भी आ जाए, तो ये क्यों है, इसमें समय का स्थान का घटना का विशेष महत्व नहीं रहता है, लेकिन इधर देना पड़ेगा क्योंकि एक तो एपिसोड, और एक ही एपिसोड में यदि नहीं देख पाए तो खत्म, तो इसलिए इसको ऐसी जगहों पर ऐसे समय पर दिया जाता है ताकि छुट्टी रहे, ऐसी चीजों पर इसको प्रसारण किया जाता है, इसमें समय स्थान और घटना पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें प्रस्तुत कथा के साथ साथ गौण कथा भी जुड़ी रहती है। अच्छा, प्रस्तुत कथा क्या है, जो मेन कथा है ना उसके साथ साथ और घटना जोड़ दी जाएगी। अच्छा, संध्या और ये जैसे मान के चलो कोई से भी एग्जांपल ले लो, बार बार एक ही शब्द का यूज नहीं कर रहे अपन, दूसरा कोई से ले लो, कोई नाटक में क्या हुआ है कि कोई नायक नायिका है, जैसे जिसको नाटक में जो मेन आदमी रहते हैं, ठीक है उनका कहीं का भाग है, तो उसमें उनके साथ वो जब घूमने जाएंगे तो वो घटना जोड़ देंगे, फिर उसके बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया, क्या अब वो जीवित हो पाएगा, क्या होगा आगे देखेगा, अगले एपिसोड में देखेगा। तो इसमें क्या रहता है, प्रस्तुत कथा के साथ साथ फालतू चीजें ना गौण कथा भी जोड़ जाती, लेकिन इसमें एक ही कथा होती है। इसका आकार जो होता है नाटक का, सिंपल सी बात है, बड़ा रहेगा, क्योंकि इसका आकार छोटा रहेगा। उदाहरण आप देख सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, अंधेर नगरी ध्रुव स्वामिनी अंधा युग, और इधर उदाहरण रहेगा आपका दीपदान एक घूट। तो ये मैंने आपको नाटक और एकांकी में अंतर बताया है, बढ़िया से आप कंप्लीट करेगा, इतना हो गया है। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये 5 है, ये 6 है,
ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। अब अगला जो प्रश्न है आपका वो है रेखा चित्र किसे कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए रेखा चित्र वास्तव में क्या है, एक तरह का ये क्या है, कहानी के जैसा ही हिंदी साहित्य का एक रूप है। क्या है, ध्यान से समझिए मैं जो बातें बता रहा हूं। ये रेखा चित्र भी क्या है, कहानी के जैसा ही एक तरह का हिंदी साहित्य का एक रूप है। यहां नाम अंग्रेजी के स्केच स्केच शब्द की नापतोल पर गढ़ा गया है, जिसे हम साहित्य में जिसे हम रेखा चित्र कहते हैं। उसमें क्या होता है, कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका अंकन किया जाता है, उसका चित्रण किया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई भी घटना हो, उसका सुव्यवस्थित अंकन किया जाता है। ठीक है, इसमें साधन शब्द नहीं, रेखाएं नहीं। ठीक है, इसमें साधन शब्द है, रेखाएं नहीं, इसलिए इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। रेखा चित्र का क्या नाम है, शब्द चित्र रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र जो है अंग्रेजी में स्केच इसे कहते हैं, कोई किसी भी पात्र या चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित और आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण करना। इसमें जब रहता है ना, तो व्यक्ति को ऐसा रहता है जैसी बात को इसी घटना में दोहरा रहा हूं, तो ऐसा रहेगा जैसे हुबहू वहीं पे, ठीक है, उसका अंकन किया गया हो, उसका चित्र हमारे सामने आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि ठीक है वर्ल्ड कप, अब जैसे वर्ल्ड कप कहेगा तो आपको सामने चित्र आ जाएगा कि इस साल का जो वर्ल्ड कप हुआ था किस तरीके से हुआ था। तो समझ में आ रहा है आपको, तो रेखा चित्र को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं। ठीक है, किसी पात्र या चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित स्पष्ट और आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण करना ही रेखा चित्र कहलाता है। अगला है महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। महादेवी वर्मा की जो भाषा है वो क्या है, महादेवी वर्मा की जो भाषा है वो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत गर्भित शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। क्या है, इनकी भाषा संस्कृत सुस्पष्ट साहित्य खड़ी बोली है। इनकी भाषा में सरलता का प्रवाह होता है। शैली की यदि हम बात करें तो भावात्मक शैली और वर्णात्मक शैली, इनकी शैली की प्रधानता है। महादेवी जी भाव प्रधान स्थलों पर इस शैली का प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा ने क्या किया है कि स्थलों भाव प्रधान शैली पे इसका प्रयोग किया है, भाव प्रधान स्थलों पर। वर्णात्मक, किसी घटना के वर्णन में इस शैली को अपनाया गया है। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से आप तो स्क्रीनशॉट लो, मेहनत करो। जो बच्चा मेहनत करेगा ना, सफलता उसके कदमों में होगी। एक बात आप जीवन में अच्छी तरह से ध्यान रखिए, भुला दे डर कुछ अलग कर, ठीक है, भुला दे डर कुछ अलग कर, समझ लो बात को, बहुत गहराई की बात है। आप जब तक डर को नहीं भुलाओगे, आप कुछ अलग जमाने में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करिएगा और कोई भी चीजों में, ठीक है, डरना नहीं है, किसी बात का डर नहीं कि नहीं हमारा 9th क्लास में क्या होगा, कि हम 10th में आएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आपका और हमारा संबंध भले ही इस मोबाइल से हो रहा है, लेकिन जो भावना है ना वो आपको आहत कर रही है। ठीक है, जो बातें है वो आपके मन में विचारों में ठीक है एक जगह बना रही है, तो आप घबराइए मत, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं, प्रेमचंद की दो रचनाएं लिखे, नाम लिखिए। तो देखिए प्रेमचंद की रचनाएं गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये इनकी रचना है। कोई सी भी दो लिख देना है, और भी बहुत सारी है, तो लेकिन चार मैंने यहाँ पर लिख भी दी। अगला है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती आमने सामने बैठकर, ठीक है, हीरा और जो मोती थे वो आमने सामने बैठकर मुख भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक चारा खाता था तो दूसरा भी चारा खाने लगता था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हीरा और मोती आमने सामने बैठकर मुख भाषा में, ठीक है, केवल बिना मुंह को हिलाए हुए अच्छे से
विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक चारा खाता था तो दूसरा भी खाने लगता था। ठीक है, अगला है इसमें आगे चीजें यहां पर लगता। हल या गाड़ी में चलते समय हर एक चाहता कि उस पर ज्यादा वजन आए। दोनों में से दोनों ही चाहते कि मुझ पर हीरा चाहता था कि अपने पे ज्यादा वजन आए। दो बेल की कथा है ये ना, तो हर एक चाहता था कि उस पर ज्यादा वजन आए। दोनों साथ रहते। इस तरह अनेक घटनाएं ऐसी थी कि जो बता रही थी कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको समझेंगे ना। चलिए ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो है ना भैया। चलिए अगला है, प्रस्तुत यात्रा के आधार पर बताइए, प्रस्तुत यात्रा के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ठीक है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय के तिब्बती समाज में कई अच्छाइयां थी, तो वहां जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। बहुत सारी उसमें अच्छाइयां थी, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, छुआछूत जैसी सामाजिक बीमारी भी वहां नहीं थी, स्त्रियां पर्दा भी नहीं करती थी। उस समय यहाँ बहुत खराब आदत थी, ठीक है, कि वे शाम को छड़ पीकर अपने होश हवास को बैठते थे, दारू पी के। ये एक खराब आदत थी, बाकी सब समाज अच्छा था। ठीक है, तो यहां से आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया इतना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं उनको आपको बताना है। देखो, फटे जूते ये बता रहे थे कि निर्धनता, प्रेमचंद की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं है ये बता रहे थे। स्वाभिमानी ये है कि प्रेमचंद स्वाभिमानी परिश्रमी व्यक्ति थे। क्या थे? स्वाभिमानी और परिश्रम, ठीक है, व्यक्ति थे। किसी से मांगना उचित नहीं मानते थे, यथार्थवादी। प्रेमचंद बनावटी जीवन की चमक धमक से दूर सादा जीवन जीते थे। ठीक है भैया, तो ये आपका प्रेमचंद के फटे जूते के पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तिगत की विशेषता। बढ़िया से, मैंने कहा ना कि के आपकी बार 90 पार, इसी टारगेट से हम कार्य कर रहे हैं। वास्तव में चाहते हो कि ये बच्चों की तरह आप 10th में भी टॉपर बनो तो यहाँ चैनल आपको एकदम फ्री एजुकेशन देगा, किसी को एक रुपया शुल्क नहीं देना है। 9th में आपकी मदद कर रहे हैं, साथ में 10th में भी करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए अगला देखते हैं। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? देखिए, उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे समाज को अपनी गिरफ्तार में ले लिया है। प्रचार प्रसार तथा दिखावे के चक्कर में पड़कर हम उन वस्तुओं को भी खरीद रहे हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमारा बात क्या कह रहा है ये कि उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे समाज को अपनी गिरफ्तार में ले लिया है, यानी कि पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। प्रचार प्रसार का दिखावा जो है आजकल जमाने में दिखावा ज्यादा चलता है ना। ठीक है, तो कैसा दिखावा चलता है भाई साहब? जेब में यदि किसी के पास में 10,000 रुपये है तो वो दिखावा करने के लिए 10,000 रुपये की ऐसी चीजें खरीदेगा, 900 रुपये का वो पर्स लेगा, मतलब मोबाइल ले लिया कहीं की भी चीज। ठीक है, तो दिखावा ज्यादा करता है और 100 रुपये जेब में रखता है, और जबकि करना क्या चाहिए, 100 रुपये का पर्स लेकर 9,900 रुपये उसमें अंदर रखो ताकि मुसीबत आए ना जब निकाल के दे दो। समझ लो बात को आप, आपकी वैल्यू वक्त 10,000 की और आप 1,00,000 की मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो, तो भाई साहब आपकी वैल्यू तो समझिए। आप 10,00,000 कमाते हो तो 1,00,000 उजाड़ो, यदि आप 10,000 कमाते हो तो 1,000 उजाड़ो, खर्च करो।
ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे समाज को अपनी गिरफ्तार में ले लिया है। प्रचार प्रसार तथा दिखावे के चक्कर में पड़कर हम उन वस्तुओं को भी खरीद ले रहे हैं जिनकी हमें आवश्यकता या तो है नहीं, और है भी तो बहुत कम है। मतलब या तो हमें नहीं है उन वस्तुओं की, या तो है ही नहीं, और है तो थोड़ी बहुत है। तो इस तरह उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती सिद्ध हो रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, यहां से ले लो, है ना, प्रश्न का ले लिया। अच्छा थोड़ा छोटा कर दू ना ताकि आपको एक ही उसमें काम हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास किसे कहते हैं? समास